हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल LIS एक्सपर्ट। आज मैं आप सब लोगों को बताऊंगी कि क्लासिक्स क्या होते हैं। देखिए, क्लासिक्स जो होते हैं वो रिलीजियस बुक्स होती हैं, ठीक है। जैसे गीता हो गई, कुरान हो गई, बाइबल हो गई, या फिर रिलीजन से रिलेटेड ही, स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड जो बुक्स होती है वो क्लासिक्स में आती हैं। जो भी धर्म के बारे में हमें बताती है, जो भी हमें स्पिरिचुअलिटी के बारे में जो भी किताबें हमें डायरेक्ट करती हैं, उनको ही हम क्लासिक्स कहते हैं। देखिए, आज मैं क्लासिक्स के बारे में आपको ब्रीफ में बताने भी वाली हूँ, प्लस एक एग्जाम्पल देके मैं आपको समझाऊंगी भी कि क्लासिक्स क्या होते हैं। तो क्लासिक्स पहले जो होती है, इस तरीके की बुक्स होती है जो अलग, उनका रो तो अलग होता ही है, वो 200 के अंदर आती है रिलीजन के अंदर, ठीक है। और रिलीजन में भी जो उनकी, जैसे आप जानते हैं, सब डिवीजन होता है, तो 210, 220, 230, 240, ऐसे लेके 300 तक। 300 एक अलग सब्जेक्ट हो गया हमारा, 200 से 290 तक स्टार्ट हुआ। तो 200 हमारा रिलीजन है, इससे रिलेटेड जो भी अलग अलग रिलीजन हुए, हिंदुज़म, जैनिज़म जो भी है, उसके अंदर सारा सब डिवीजन आएगा। तो ये तो हो गई क्लासिक्स के, मैंने आपको मेन क्लास बता दी, उसके सब डिवीजन भी बताए। अब मैं आपको बताती हूँ क्लासिक्स होते क्या हैं। क्लासिक्स जो होते हैं उसमें बहुत सारे सब डिवीजन के भी सब डिवीजन होती है। जैसे हमने 210 ले लिया, तो 210 के अंदर जो 211 आएगा, 12 आएगा, उससे रिलेटेड, तो मतलब पूरा एक ये ब्रॉड बहुत सब्जेक्ट है, लेकिन इसका मेन क्लास 200 है रिलीजन के अंदर। तो ये क्लासिक्स बुक्स जो होती है ये हर रिलीजन के अंदर होती है, चाहे वो जैन हो, चाहे वो बौद्ध धर्म हो, चाहे वो हिंदू धर्म हो, चाहे वो इस्लामिक धर्म हो, हर धर्म के अंदर ये बुक्स होती है क्लासिक्स। और हम इन्हें क्लासिक्स इसलिए कहते हैं क्योंकि ये रिलीजन बेस्ड बुक होती है, हर रिलीजन से रिलेटेड बुक्स होती है। जैसे स्क्रिप्चर्स भी होते हैं, वो भी इसी के अंदर ही आते हैं, ठीक है। तो मैं आज आपको एक क्लासिक्स बुक्स किस तरीके की होती है और जो मैं प्रेफर भी करती हूँ वो दिखाने वाली हूँ। ये देखिए, ये है बुक द साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन। ये एक तरीके की क्लासिक बुक है, ठीक है। देख लीजिए, ये मैं आपको बिल्कुल करीब से दिखा देती हूँ, ठीक है। तो ये बुक किस तरीके की बुक है, ये बुक इस तरीके की बुक है जिससे आप स्पिरिचुअलिटी से पढ़ते हैं तो आपको स्पिरिचुअलिटी का थोड़ा आइडिया होता है कि हमें किस किस तरीके से मतलब अपने लाइफ में हम खुद को एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो इस तरीके की जो बुक्स होती हैं वो क्लासिक्स, उनको हम क्लासिक्स बोलते हैं, ठीक है। क्लासिक्स बुक्स जो है रिलीजन से पे बेस्ड होती है, और हर रिलीजन से रिलेटेड जो भी डायरेक्शन हमें चाहिए होती है वो ये बुक्स देती है, या फिर स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड भी कोई भी डायरेक्शन आपको अगर चाहिए तो ये बुक्स प्रोवाइड कर सकती है आपको। ये क्लासिक्स बुक है, और ये मैं इसीलिए आपको दिखा रही हूँ क्योंकि ये मेरी प्रेफर की हुई बुक है और मैं इसको यूज़ भी बहुत ज़्यादा करती हूँ, अपनी लाइफ में भी इम्प्लीमेंट करती हूँ, और मुझे ये बुक बहुत पसंद भी है, ठीक है फ्रेंड्स। तो क्लासिक्स का रोल क्या होता है, क्लासिक्स का रोल ये है कि जो भी हर रिलीजन से रिलेटेड जो नॉलेज है, जो आपको चाहिए, वो ये क्लासिक्स आपको प्रोवाइड करते हैं। और इसमें आजकल तो क्लासिक्स में भी बहुत सारा जो है न्यू कंटेंट आ गया है, जैसे ये बुक्स में जो आपको ये लेटेस्ट है, तो इस तरीके की बुक्स और भी मार्केट में अवेलेबल है जो आप प्रेफर कर सकते हैं। और स्पिरिचुअलिटी के बारे में जैसे बहुत ज़्यादा आजकल बता रहे हैं, तो आप बुक्स भी प्रेफर करके वो चीज़ आपको एक डायरेक्शन देगी, आप खुद से भी जान सकते हैं। तो क्लासिक्स जो है बुक्स ए रिलीजन पे बेस्ड होती है और ये हमें एक तरीके का डायरेक्शन प्रोवाइड करती है किसी भी रिलीजन के बारे में। और क्लासिक्स का क्या रोल होता है, क्लासिक्स बुक्स जो है वो हर धर्म में तो होती ही है, लेकिन इसमें ये चीज़ भी है कि क्लासिक्स के अंदर एक
आपको ये भी पता चलता है कि क्लासिक्स आप जा रहे हैं किसी भी लाइब्रेरी में, क्लासिक्स आपने देखे बहुत सारे, तो हमारे यहाँ कितने तरीके के रिलीजन्स होते हैं और उनके अंदर क्या क्या चीज़ें बताई गई हैं वो भी ये क्लासिक्स आपको बताते हैं। और क्या है कि आजकल जो है कोई भी चीज़ आप, वैसे रिलीजन्स के ऊपर तो बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल है, लेकिन क्लासिक्स जो है एक अलग ही डायरेक्शन प्रोवाइड करती है हमें। वो क्या है, एक ओरिजिनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रही है जो रिसर्च पे बेस्ड है ना। तो जो चीज़ आपको चल रही है वही चीज़ आपको मिल रही है और उससे आप एक्सप्लोर हो रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं, तो इससे अच्छी बात क्या होगी। इसीलिए आजकल जो भी लाइब्रेरी है वो क्लासिक्स को बहुत ही जो है कीप इन माइंड रख के वो परचेस करती है। क्यों परचेस करती है, क्योंकि आजकल क्लासिक्स का बहुत ही ट्रेंड है, क्लासिक बुक्स होती है उनका बहुत ही ट्रेंड है। और आप एक बात मैं और आपको बता देती हूँ, जैसे दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी है वहाँ पे भी क्लासिक्स का बहुत अच्छा कलेक्शन है। और सबसे ज़्यादा जो मतलब ऑथराइज स्टाफ वहाँ है और जो भी सीनियर सिटीजन वहाँ विज़िट करते हैं या फिर जो भी विजिटर्स आते हैं वहाँ से, तो वो वहाँ के क्लासिक्स को देखते हैं कि किस तरीके का क्लासिक्स यहाँ का है। तो वैसे भी कल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर में वो लाइब्रेरी आती है तो वहाँ इन सब चीज़ों का बहुत ध्यान रखा जाता है कि क्लासिक्स किस तरीके का है वहाँ का। तो क्लासिक्स बुक्स जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है और ये आपको हर लाइब्रेरी में मिलेगी, एकेडमिक लाइब्रेरी में भी मिल जाएगी, क्लासिक्स बुक्स वहाँ भी रखी जाती हैं। क्योंकि क्या है कि रिलीजन से रिलेटेड जो नॉलेज है वो हमारे एकेडमिक का भी पार्ट है, तो वहाँ पे भी क्लासिक्स को परचेस किया जाता है। कोई भी लाइब्रेरियन जो वहाँ वर्किंग है वो क्लासिक्स की जो है कलेक्शन को बहुत ही कीप इन माइंड रख के वो परचेस करता है और उसका मेंटेनेंस भी बहुत अलग तरह से होता है क्लासिक्स का स्पेशली, क्योंकि क्लासिक्स एक ऐसी बुक्स है जो रिलीजन पे बेस्ड है, तो इनको हमें जो है एक अलग पॉइंट को माइंड में रखते हुए अपना लाना है लाइब्रेरी में। क्योंकि जिस तरह से आप सोचते हैं कि हम घर में प्रेयर कर रहे हैं, प्रेयर करते हैं, तो वो हमारे क्या है, वो एक अलग तरीके का पर्सपेक्टिव है। प्रेयर जो है वो मतलब हम प्रॉफिट मेकिंग से नहीं करते हैं, वो हमारे क्या है नॉन प्रॉफिट मेकिंग और एक फीलिंग इमोशन से रिलेटेड होता है। तो कोई भी लाइब्रेरी के अंदर जो क्लासिक्स होती है वो जो है रिलीजन पे बेस्ड होती है, तो इसीलिए बहुत सारी चीज़ें बहुत कुछ देखकर जो है हम क्लासिक्स को परचेज करते हैं। और क्लासिक्स में एक चीज़ और भी है कि क्लासिक्स बुक्स जो है किसी भी लाइब्रेरी के रीडर्स को अफेक्ट करती हैं। तो क्या है, तो ये चीज़ भी देखी जाती है कि आप रीडर्स पॉइंट ऑफ व्यू से किस तरह सोच रहे हैं। स्टाफ को बहुत सारी चीज़ें भी कीप इन माइंड रखनी पड़ती हैं कि क्योंकि लाइब्रेरी में तो हर रिलीजन का रीडर्स आ रहा है, तो आपको ये नहीं है कि आपके जो लाइब्रेरी है या कोई एक स्पेशल इंस्टीट्यूशन पर बेस्ड है तो आप उसी से रिलेटेड क्लासिक्स लाइए, नहीं, आपको वहाँ पे भी हर चीज़ को क्लासिक्स जो है हर चीज़ का लेकर रखना होगा, हर एक रिलीजन का, क्योंकि ये जो है हमारे उसमें ही है, मतलब मेन क्लास के अंदर ही जो जो सब डिवीजन होंगी, जो हिंदुज़म, जैनिज़्म और बौद्धिज़्म की जो भी सारी चीज़ें हैं, जिस भी नंबर के अंदर सब डिवीजन की हो रही है उसके अकॉर्डिंग ही हम परचेस करेंगे, सिस्टम में ही है, तो हमें उसी अकॉर्डिंग सारी बुक्स लेकर आनी होती है क्लासिक्स की। और लेकिन क्लासिक्स जो है हर एक लाइब्रेरी में बहुत इम्पॉर्टेंट कलेक्शन होता है। तो फ्रेंड्स, आज मैंने आपको बताया कि क्लासिक्स क्या होते हैं और इसकी इम्पोर्टेंस क्या क्या होती है। तो आप ये चीज़ देखिए कि क्लासिक्स कभी भी आप लाइब्रेरी में विज़िट करेंगे, किसी भी लाइब्रेरी में, तो आप वहाँ पे क्लासिक्स को ज़रूर देखिएगा और लाइब्रेरी से भी पूछ सकते हैं वहाँ का जो लाइब्रेरी स्टाफ है कि आप हमें क्लासिक्स बुक्स प्रोवाइड करिए,
तो वो आपको जो है बता देंगे 200 रिलीजन के अंदर है, और आप इसे देखिए और वहाँ जाकर आप हमारा क्लासेस का कलेक्शन देख सकते हैं, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। तो वहाँ भी आपको जाकर देखना है कि अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आ रही है तो लाइब्रेरी से कंसल्ट करके आप उससे पूछ सकते हैं कि मुझे इस रिलीजन पर बेस्ड, इस्लामिक रिलीजन है उस पर बेस्ड बुक्स चाहिए, तो वो आप उससे रिलेटेड क्लासेस बता देंगे। लेकिन हाँ, ये हर एक लाइब्रेरी में होता है, क्लासिक्स का कलेक्शन ज़रूर होता है, क्योंकि जो है स्पेशली हमारे इंडिया में रिलीजन से रिलेटेड बुक्स हर लाइब्रेरी में प्रोवाइड की जाती है, और क्लासिक्स जो है हर एक लाइब्रेरी में आपको मिल ही जाएगा किसी न किसी फॉर्म में, चाहे वो छोटा सा कलेक्शन ही क्यों ना रखें, लेकिन क्लासिक्स होगा ज़रूर। ठीक है फ्रेंड, तो क्लासिक्स क्या है? क्लासिक्स is a religion based books and it's also provide the direction for the spirituality, especially जो आजकल ट्रेंडिंग में भी है। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक करें, और ज़्यादा पसंद आता है तो सब्सक्राइब करें, और प्लीज़ बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।